राज्य मुख्यमंत्री नया सिंह सैनी सिरसा के दौरे पर भी रहेंगे और यहां पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां पर मुख्यमंत्री पौधारोपण करते नजर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा, जहां एक तरफ सुबह सुबह उन्होंने कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम में पहुंचकर फिटनेस का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब सिरसा में पौधारोपण उनकी तरफ से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम एक पेड़ मां के नाम रखा गया है और इस कार्यक्रम के जरिए अलग अलग जगहों पर आपको बता दें पौधारोपण किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरियाणा ही नहीं पूरे देश को एक संदेश इस कार्यक्रम के जरिए दिया जा रहा है। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल राइटर। अमित जी, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा ये? जी देखिए विनय, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कार्यक्रम का आगाज ही खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा से करने जा रहे हैं और सिरसा के सिकंदरपुर गांव में राधा स्वामी सत्संग घर है, वहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम के तहत जो एक पेड़ मां के नाम अभियान है इसका आगाज करेंगे और खुद वहां पौधारोपण भी करेंगे। और इसके लिए देखिए न केवल सत्संग स्थल पर तैयारियां की गई है, पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वे लगातार दो तीन दिन से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और सिकंदरपुर में आवाजाही पर निगरानी भी रखे हुए हैं पुलिस लगातार। तो आज यह अभियान शुरू हो जाएगा और खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। जी विनय, पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से देखें अमित जी, तो किस तरह से इस कार्यक्रम को देखा जाए, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका ये कार्यक्रम निभा रहा है? जी निश्चित रूप से देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण अभियान जो है वो हरियाणा में सरकार ने चलाए हैं और अब इसी कड़ी में ही अपने देखिए माँ के नाम पर एक पौधा लगाना जो अपने आप में भी एक श्रेष्ठ कार्य है, अपने परिजनों की समृद्धि में भी लोग पौधारोपण करते हैं और इसी से ही प्रेरित होकर यह एक पेड़ मां के नाम पर लगाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान का शुरू हो जाने से जो तमाम लोग हैं उनसे भी आह्वान किया जाएगा कि अपनी मां के नाम पर एक पेड़ तो लगा दें। तो ऐसे में एक तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए, पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का अभियान जो है वो श्रेष्ठ अभियान है और जिसके दूरगामी जो है वो लाभ दिखाई देंगे। जी विनय, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अमित जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि विशेष इंतजाम किए गए हैं और ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और पर्यावरण संरक्षण की अगर बात की जाए तो जिस तरह से अमित जी भी बता रहे थे कि कई कार्यक्रम हरियाणा सरकार की तरफ से चलाए गए हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी है एक पेड़ माँ के नाम। और इससे पहले भी आपको बता दें, चाहे वो प्राणवायु देवता योजना की बात की जाए, उसके जरिए प्राणों का खासतौर पर बात करें तो प्राणवायु संरक्षण जो योजना है उसमें पेड़ों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जाता है।